¡Ahí está! हेलो दोस्तों, मैं हूँ नाइट इमरजन दास। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या VST में, यानी कि वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी, जो इसका फुल फॉर्म होता है, क्या इसमें क्या वायरस होता है। क्योंकि कभी कभार हम लोग उसको लोड करते हैं तो हम लोग का फट से एंटीवायरस खुल जाता है, बोलते हैं इसमें वायरस है। इनफैक्ट अगर आप लोग सोचेंगे चलो हम लोग क्रैक डाउनलोड किए या कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, या फिर हम लोग अनऑफिशियल साइट से डाउनलोड किए, तो अगर हम लोग ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड करते हैं तो भी वायरस दिखाता है। तो मैं बता देता हूँ, ये वायरस नहीं होता है, ऐसा एंटीवायरस को लगता है। क्योंकि कभी कभार कुछ DLL फाइल जो होता है, यानी कि कोई VST जो होता है, उसको वो वायरस मान लेता है, लेकिन होता नहीं है। अगर आप लोग देखिए, मैं आप लोग बता देता कि अगर आप लोग सेटअप क्रिएट करते हैं, अगर आप लोग सेटअप क्रिएटर का इस्तेमाल करते, जैसे स्मार्ट इंस्टॉलेशन या लाइट इंस्टॉलेशन या फिर कई प्रकार का इंस्टॉलेशन होता है, मैं बहुत पहले इंस्टॉलेशन का काम करता था, तो ये सब में अगर आप लोग सेटअप को क्रिएट करेंगे, तो अगर आप लोग एंटीवायरस ऑन रहेगा, तो जब EXE को क्रिएट करेगा आप लोग हार्ड डिस्क में वो सेटअप क्रिएटर, तो फ़ौरन उसको वायरस बता देगा। लेकिन वो वायरस होता नहीं, क्योंकि वो सेटअप को तो एक्चुअली में आप बना रहे हैं। विनरार से भी जाहिर सी बात है सेटअप बनाया जा सकता है, लेकिन विनरार में बहुत कॉमन से इंस्टॉलेशन बनता है। लेकिन स्पेशल जैसे कि ड्रूपू सेटअप क्रिएटर हो गया, ये सब स्पेशल टाइप का इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉलेशन मेकर होता है जिसे इंस्टॉलेशन बनाया जाता है, तो वो सबको कभी कभार वायरस बता देता है जब आप लोग सेटअप को क्रिएट करने का बटन दबाएंगे, लेकिन वो वायरस होता नहीं है। तो वैसे ये जो DLL फाइल होता है, ये VST का, यानी कि वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी का, ये वायरस नहीं होता। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे, मतलब एंटीवायरस क्या होता है कि कभी कभार धोखा खा जाता है, तो ऐसे में आप लोग एंटीवायरस को बंद करके काम कर सकते हैं, कंप्यूटर के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरा जो एंटीवायरस है वो डेक्सिस्ट जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर सिंथेसाइजर है, जो कि फ्री सिंथेसाइजर है, उसमें वायरस बताया था। तो मुझे लगा था शायद मैंने ये फ्री है या अनऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया, तो मैंने ऑफिशियल से डाउनलोड किया, फिर भी वायरस बता रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो वायरस है नहीं। इनफैक्ट FL Studio तक का DLL फाइल सबको मेरा एंटीवायरस वायरस बताता है, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मैं एंटीवायरस को बंद करके अपना काम करता हूँ, उसको काट देता हूँ। आपका फाइल अपने आप खुलेगा, एंटीवायरस जैसे खुलेगा उसको काट दीजिए, लेकिन आप लोग का फाइल अपने आप काम करेगा। अगर वो वायरस रहता तो काम ही नहीं करता। हाँ, एंटीवायरस में लिखा रहेगा कि ट्रोजन हॉर्स है, ये है वो है, लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है। तो अगर आप लोग को वायरस बता रहा है तो डरिए मत, आप लोग बिंदास यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक सीरीज का वीडियो था। एनी मोर क्वेश्चन लेट मी नो, तब तक के लिए बाय बाय।